देश में युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने और लोगों की मदद में सहयोग करने के लिए दिल्ली में भारत युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संदेश यादव ने कहा कि हम हर साल 20 लोगों को भारत युवा अवार्ड से सम्मानित करते रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संदेश यादव ने कहा कि हम हर साल 20 लोगों को भारत युवा अवार्ड से सम्मानित करते आ रहे हैं। संदेश यादव ने कहा, हमारा प्रयास ज्यादातर सरकार से जुड़े लोगों को सम्मानित करना है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव गणपतराव जाधव, भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक ठाकुर, सांसद राजेश गहलोत, पूर्व सांसद कांता करदम और कई वरिष्ठ लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी लोगों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते इस रिपोर्ट में। पुरस्कार जो भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, जब वो बड़ा पुरस्कार बना तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भीड़ हुई, तो हमने भारत युवा पुरस्कार का संचालन करना शुरू किया कि देश के लोगों को दो कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं कि भाई जो युवा हैं उनको युवा पुरस्कार में रखा जाए और जो हमारे लीजेंड लोग हैं उनको भारत गौरव पुरस्कार में रखा जाए। तो ये चौथी बार हमारा संस्करण है भारत युवा पुरस्कार समारोह का, जिसमें आज 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 राजस्व सेवा के अधिकारी, 2 कला एवं संस्कृति के लोग, 2 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इस प्रकार 2 पत्रकार। तो हम हर वर्ष 20 लोगों को भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो प्रयास है वो ज़्यादातर सरकार से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का है, जो बाकी मन से हमें अलग बनाता है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हम अपने प्रतिनिधि के बारे में जानते हैं लेकिन हम उसे सम्मानित नहीं करते, उसके कार्यशैली को हम सम्मानित नहीं करते, राष्ट्र में हमारी अपने प्रतिनिधियों के प्रति बहुत सारी अलग अलग तरह की धारणा हो जाती है, उस धारणा को तोड़ने का ये मंच है कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो अगर वो काम कर रहा है तो भारत गौरव परिवार के सदस्य, भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की टीम का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से वहाँ पहुँचेगा और उनका चयन किया जाएगा। इस पुरस्कार में सभी प्रकार का कॉमर्शलाइजेशन बंद है, यहाँ व्यक्ति की प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है, उसके काम को सम्मानित किया जाता है, उसके कार्यबोध को सराहा जाता है और ये पुरस्कार दिन प्रतिदिन इतना बड़ा होता जा रहा है कि हमने भारत गौरव अवार्ड पुरस्कार को अपने को भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के उस इनिशिएटिव को वन नेशन वन अवार्ड और इंडियाज नोबल की तर्ज पर रखना शुरू किया है। आज भारत गौरव अवार्ड में आप ये समझिए कि भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुविधाएं इस देश में किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं तो भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से हैं। उन प्रतिभाओं को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों में मिलती हैं। किन राज्यों से अगर आज जो ये कार्यक्रम है इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मतलब कितने राज्य आपको गिनाओ, तकरीबन 13 से 14 राज्य के आज युवाओं की भागीदारी है इस कार्यक्रम में और 12-13 यहाँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 2 सांसदों को हम सम्मानित कर रहे हैं आज। तो सब तकरीबन 13 से 14 राज्यों के लोगों को हम हर बार नॉमिनेट करते हैं, 1-2 यूनियन टेरिटरी के भी लोग होते हैं, सिक्किम के भी लोग हैं, तो उस प्रकार से सारा जो तंत्र है वो काम करता है, पूरी कमेटी के लोग सब मिल के काम करते हैं, सब चयन करते हैं, सब अपने अपने लोगों के नाम भेजते हैं कि हमारे राज्य में ये व्यक्ति इसने ये काम किया, इसको सम्मान मिलना चाहिए। कि जो लोग सरकारी सेवा में या सरकारी तंत्र से वंचित रह जाते हैं उनको तो हम सबसे ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे हैं कि जिसको राष्ट्रीय मंच नहीं मिला, जिसे भारत सरकार ने चयनित नहीं किया, कम से कम उसे खड़े होकर ये लगे कि हाँ कोई तो ऐसा है जिसने मुझे भी देखा और उस जगह आके देखा। जैसे आज एक सांसद छत्तीसगढ़ के हैं जो सम्मानित होंगे, वो नक्सली क्षेत्र से आते हैं, मतलब जब हम उनसे मिलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो सांसद ही नहीं है लेकिन सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस बार जीत के आए हैं, सरपंच से वो बने हैं। तो इस प्रकार ये युवाओं का पुरस्कार है, युवाओं का कार्यक्रम है और आप सब भाइयों का आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, डॉक्टर संदेश यादव जी के माध्यम से जो एक कार्यक्रम हुआ है इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि आज हम युवा भारत हैं और इस देश के युवाओं को एक रिकग्निशन की, प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है और विशेषकर समाज का काम करने वाले जो हमारे लोग हैं उनको निश्चित तौर पर लगातार काम करने से थकावट आ सकती है, तो अलग अलग समय पर उनको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे उनमें और काम करने की शक्ति आती है। तो ये शक्ति लगातार बनी रहे और लगातार अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो युवाओं में इस शक्ति को हमको बनाए रखना है और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से वो शक्ति हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए मैं
डॉक्टर संदेश यादव और उनकी पूरी टीम को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। सबसे एक यूनिक ये है प्रचार है जो युवा का शक्ति बढ़ाए, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे संगठन को हमारे सामने आना चाहिए यूथ का हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा योगदान होता है। और भारत पूरे विश्व में सबसे मतलब एक समीक्षा के अनुसार भारत में सबसे युवा ज़्यादा है, तो हम अगर विकसित भारत के बारे में सोचते हैं तो युवा का सबसे पहले हमको डेवलपमेंट करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हैं, चाहे खेल हो चाहे दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट हो कोई भी सेक्टर हो उसमें युवा आगे बढ़े देश में, ये चिंता किया जा रहा है। मैं मानता हूँ ये संस्था जो है इसने अलग तरीके से एक परफेक्शन तैयार कर रहा है, ये बहुत ही भारत के लिए आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो ऑर्गेनाइज्ड किए हैं आज का ये कार्यक्रम, सबको मेरा। सतनु जी आज एक सवाल और, आज मनु भाकर को जो है शूटिंग में दूसरा पदक मिला और भारत की पहली महिला या ओलंपिक में ऐसी पहली खिलाड़ी है जिन्हें एक ओलंपिक में दो पदक मिला है। इससे जानकारी ये मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में खेल का बढ़ावा जो दे रहे हैं, पिछले भी स्वर्ण पदक हम लोगों को आया था ओलंपिक में, इस बार भी आए हैं, तो ये एक डेवलपिंग कंट्री की तरह जा रहा है, डेवलप कंट्री की तरह जा रहा है जो विकसित भारत का सोच। तो खेल भी एक पार्ट ऑफ स्किल है, तो हम लोगों का ये पार्ट ऑफ स्किल में ये पार्टिसिपेट करना, इसका मतलब है भारत को पहचान कराना। और भारत को पहचान कराना मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना फ्यूचर थॉट है उसको वास्तवित करना। थैंक यू। BCN News के लिए नई दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।